तो कैसे सो हे गेम गैंग, आज के कॉर्नर गेम प्ले वीडियो के साथ में वापस। और ये मैच काफी इंटरेस्टिंग जाने वाला है। दरअसल ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती है इस मैच में कि मैं बता नहीं सकता। फिलहाल तो ओल्ड वैसे जा रहे थे अपनी अपनी खुद की पर्सनल फेवरेट जगह पर, और उतरते हैं अपने वाले बिल्डिंग को पता नहीं यार क्यों भूल चुका हूँ मैं, वहाँ पर नहीं उतरता आजकल, गन ही नहीं मिलती कभी, और गन फाइट में भाई मारे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर उतरता हूँ, यहाँ पर भी गन नहीं मिलती। अब फुटस्टेप आ रहे थे, बंदे भी बहुत सारे नीचे की तरफ आ गए थे, मेरे को ये शॉट गन मिल जाती है लकीली, और अब फिर बंदों को बजाते हैं। हेलो जी, अब यहाँ पर तुम सभी लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी हो कि एक बंदा शायद ऑफलाइन वगैरह या जो उस साइड उतरा है पीछे की तरफ, मुझे भी ये दिख गया था। मैंने सबसे पहले यहाँ पे गन उठाई, आउटो गन, और फिर चला भैया बंदे निपटाने, क्योंकि फोकट का किल भाई ऐसे भी छोड़ा नहीं जाता, और बंदा अगर ऑनलाइन भी आ गया होगा तो निहत्था होगा अभी, है ना। और इसी चक्कर मैं इधर आया, लेकिन मैंने सोचा बंदा पीछे की तरफ होगा, यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं दिखता। फिर फुटस्टेप आते पीछे वाले छोटे से घर से, यहाँ पे बंदा है। अब इसको नॉक करते ही मेरे को सामने की तरफ से पड़ती है M16 बहुत बुरी तरह से, मतलब बुरी तरह से नहीं, HP वैसे भी नहीं। और ये लोग कौन है ये तुम नाम पढ़ के नोटिस कर लेना इनके। फिलहाल जिस बंदे को मैं भी नॉक किया IP गेंगर के, उसका टीममेट उधर था, और वो लोग उसको बजा देते हैं। और ये जगह एकदम शॉकिंग थी मेरे लिए, यहाँ पर मतलब अपन ने गेमो बॉय भैया को क्वीन ने भर दिया, और जो कुकी थी उसको फिर हमने एस्ट्रेल के से भर दिया। भाई देखो एस्ट्रेल के मेरे को मिल चुकी थी, हम मेरा कोई इंटेंशन नहीं था उठाने का, बट फिर भी क्योंकि मेरे गन में एमो नहीं थी तो उठानी पड़ी। अब यहाँ पर ये भाई साहब अचानक से आते और क्वीन को यहाँ पर नॉक डालता है। अब देखो इसके बीच में भागे जा रहा था क्योंकि भाई साहब मेरे पास मिनी थी, अगर आउटो गन होती तो पहले ही बजा दिया जाता। इसने इसका एक और टीममेट आ चुका था, अब इसको बजाते हैं पहले तो। और अब इसके एक और टीममेट की बारी, देखो यार एस्ट्रेल के भी स्विच करते हैं ना, थोड़ा बहुत एस्ट्रेल के चला भी लेते हैं भाई, अपन इतने बार मरते हैं ना कि अब दुख होने लगा है हमको भी अंदर अंदर कि हम एस्ट्रेल के यूज़ क्यों नहीं करते। तो इसीलिए एस्ट्रेल के भी यूज़ करूँगा मैं भाई, करूँगा, लिटरली करूँगा। एस्ट्रेल के बहुत बढ़िया चीज़ है, वो बात अलग है, कभी कभी हमसे भी नहीं चलती। हाँ ये भी। और अगर पूरे गेम प्ले में एक बॉट ना होना तो भाई स्वाद नहीं आता। यहाँ पर बॉट समझ लो मसाले की तरह है ना, तो एक बॉट यहाँ पे निपटा दिया गया। और ये बंदे गाड़ी लेकर आए थे, बहुत बढ़िया चीज़ करी थी इन्होंने, गाड़ी पे बैठते हैं और बंदूक की तलाश में थर्ड हिल होते हुए और फिर नहर क्रॉस करके उस साइड जा रहे थे। इतने में पता चलते कि भाई बंदे जस्ट अभी गाड़ी आकर रुकी थी और ये दोनों बंदे पता नहीं यहाँ पर क्यों ही रुके थे। ये देखो कितना पतला एंगल नहीं मिल रहा, ये देखो। तो अब यहाँ पर एक चीज होती है, इस बंदे को मैंने जैसे ही नॉक किया और इसको देखो ये हमसे फाइट लेने के लिए आ रहा था, ठीक है, यहाँ पर ये उछल नहीं था, बट इतने में अब इसका दूसरा टीममेट उछलने लगता है यहाँ पे। मैंने एक शॉटगन मारी और फिर उसके बाद मैं भी रुक जाता हूँ कि भाई साहब ये टीम अप वीम अप करने के चक्कर में है तो चलो छोड़ देते इसको। और ना तो ये ऑल पे कुछ कह भी नहीं रहा था मेरा, तुम यहाँ पर वो देख सकते हो माइक ऑल पे है, क्या बोलते हो उसको, हाँ ऑल पे है जो भी है स्पीकर, और ये बंदा कुछ बोल नहीं, ये अपने बंदे को रिवाइव देने जा रहा था। भाई मैंने कल का अगर स्कैम वाला वीडियो किसी ने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो कितनी बुरी तरह से हमारे साथ टीम अप स्कैम हुआ था। तो इस चक्कर में यहाँ पर मैं कुछ बोल नहीं रहा था। यहाँ पर इस बंदे ने AWM छोड़ी थी, मैं AWM उठा लेता हूँ और गलती से एस्ट्रल के इसके हाथ में दे देता हूँ, और फिर मेरे को पता चलता है भाई मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, इसलिए इस बंदे को निपटा दिया जाता है। अब देखो यहाँ पर मुझे ये नहीं पता था कि ये बंदा फ़ैन है क्या, अगर तुम लोग फ़ैन होते हो ना ऐसे मीटअप करने के लिए आते हो तो भाई ऑल पे कुछ बोल दिया करो, जिससे कि कम से कम भाई हमको ये तो डर ना रहे कि तुम बाद में निपटा दोगे। कल वाला वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा होगा स्कैम वाला तो जाकर जरूर देखना भाई, हम मीटअप करने गए थे, बंदों ने जो ही हमारे साथ स्कैम किया भाई लिटरली दिल से बुरा लगा था मेरे को। तो इसी चीज़ के लिए भाई ऐसे ऐसे मीटअप वगैरह मत किया करो, ऑल पे पहले कुछ बोल दिया करो ताकि हमको कन्फर्म हो जाए। और क्वीन खेल ले तो पता है क्वीन ने मारा, हम तो ऐसे ही बहुत कर नहीं हो पा रहे हैं आजकल। देखा दीजिए, अब फाइनली यहाँ से गाड़ी पकड़ कर ड्रॉप के लिए निकलते हैं आप, क्योंकि भाई ये सब ऐसे स्कैम स्कैम मत किया करो यार, सच में दिल से बुरा लगता है। अब जैसे ही ड्रॉप के पास पहुँचे थे यहाँ पर एक गाड़ी थी, गाड़ी तो बहुत सारी थी, ऊपर की तरफ क्या ही फाइट चल रही थी वो तुम सीन देखना आगे, कितनी सारी पेटियाँ पड़ी रहती ऊपर की तरफ। फिलहाल तो ड्रॉप के पास एक बंदा दिखा था हमको जस्ट अभी।
हमारी ऑल पे है, इसके पास हमारी कॉल पे है, मारो ये है। और भाई साहब ये बंदा एस्ट्रल के चला रहा था, वो भी आंखें मूंद कर, भाई पता नहीं क्या, शायद कंफ्यूज हो गया था भाई एस्ट्रल के किस पे मारूं, जो भी इस बंदे की पेटी बन चुकी। अब यहाँ पर सीन कुछ ऐसा था, हम ऊपर चढ़ रहे थे और स्पीड देखो जरा तुम, और ऊपर बहुत तगड़ी फाइट चल रही थी। एक जो इसका टीम मेट रहता ना, वो भाई दो बंदों को निपटा दे, दो पता नहीं दो चार पाँच कितने बंदों को निपटा देता, बस पेटियाँ देखो ऊपर जाके तुम, और जो लास्ट बंदा बचता है वो फिर हमारे हत्थे चढ़ जाता है। अब यहाँ पर इस पहाड़ पे मामला पानी कंप्लीट करने के बाद, पहले तुम पेटियाँ देखो यार, कितनी सारी पेटियाँ पड़ी, पीछे की तरफ चार पड़ी है, इधर भी दो पड़ी है, भाई मतलब इतनी गंदी तरह से फाइट हुई थी, और हम सबसे लास्ट पहुँचे यहाँ पर। अब इस पहाड़ का सब कुछ मामला पानी क्लियर करने के बाद हम चले जाते हैं दूसरे वाले पहाड़ पे, क्योंकि वहाँ पर ही बंदे थे तो इनको ही बचाया जाएगा। पहले तो AWM चिपकाते हैं एक बंदे को। अबे वहाँ गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब करो, डीजे गेमर बहुत अच्छा स्नाइपर है। हाँ तो गाइस इसी बात पे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ अब इसका जो एक और टीममेट था वो स्की करके भाई निकल चुका था नीचे की तरफ, लेकिन फिर भी पीछा हम तब तक नहीं करेंगे जब तक पेटी नहीं बनाएंगे। अब ये नहीं मरा उसका स्की ओपन, ये देखो ये देखो, मार इसको, और इसको और वैसे यहाँ से ना मेरा गेम थोड़े से नशे करने लग जाता है, मतलब लिटरली पूरी पूरी स्प्रे अगर बंदों पे छापता हूँ फिर भी बंदे नॉक नहीं होते। अब तो मैं सीधा ले चलता हूँ लास्ट के फाइट पे, बहुत ही इंटेंस फाइट पे, और भाई ये फाइट ना याद रहेगी मेरे को, लिटरली याद रहेगी। एक टाइम के लिए ऐसा सीन हो गया था कि मुझे पता नहीं चल रहा था कि भाई मेरी पेटी बनी है या सामने वाले की पेटी बनी है। तो चलो इंटेंस फाइट पर चलते हैं, और आई होप गेम्स तुम लोगों को आज की ये वाली गेम प्ले वीडियो जरूर से पसंद आएगी। इसके बाद कोई वॉइस ओवर वगैरह नहीं है, मैं मिलता हूं नेक्स्ट तगड़े से गेम प्ले वीडियो के साथ, तब तक के लिए तो फाइट इन्जॉय करो। नहीं मिल पाएगा यहाँ से, तो ऐसे जगा रहे उसको क्या, हम उसको नहीं बताते हैं क्योंकि उसको खेलना नहीं है, वो नो बॉय है। अबे उससे मारो यार तुम, ये डब गया उसे, नीचे वाले बंदे कहाँ गए, मार दिया, मार दे ना। अबे तो नहीं क्या था ये हेड होना चाहिए, तो ड्वाइट वाला लीड कर सकता है। No way! Put no, right, right, please, please no. Alan, look at this, look at this. बढ़िया बढ़िया मार दो खत्म खत्म देख बैठ आता। ओपी 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 ओपी